सो है गाइस, आज हम बात करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम हायरार्की कहते हैं। अभी जस्ट हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की कैसे आती गई है। इसके लिए हमें कुछ चीजें जानना इम्पोर्टेंट होगा। अब जैसे कि अगर हम बात कर ले अपनी डाइवर्सिटी के बारे में, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर हायरार्की लिखा हुआ है? आप लोग इससे परेशान मत होइएगा, हम डाइवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे कैसे ये चीज आती गई है। अब देखिए, डाइवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये चीज सबसे ज्यादा इम्पॉसिबल है कि हम किसी अब स्पीसीज को काउंट कर पाए। मतलब कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया कि लॉ में काउंट करो कितने सारे स्पीसीज इस अर्थ में पाए जाते हैं। तब काफी साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया, उन्होंने एक एक एनिमल को देखा, उसे जाना और उसको कैटेगराइज किया, और उन्होंने बताया कि जो हमारे अर्थ पर जो स्पीसीज है वो है 1.7 मिलियन टू 1.8 बिलियन। मतलब इतने सारे हमारी स्पीसीज है कहां पर? अर्थ पर है। तो स्पीसीज के नंबर हमने कितने बताया? 1.7 से लेकर 1.8 बिलियन स्पीसीज है। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये जो 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीसीज है, साइंटिस्ट ने बताया कि ये केवल अर्थ की 20% ही स्पीसीज है। अब आपको समझ में आएगा कि स्पीसीज कितनी ज्यादा है। जो इतनी काउंट की गई है, साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट ही बस किया था, इतने ही वो काउंट कर पाए और इतने ही बता दिए कि सिर्फ 20% ही हमने काउंट कर पाए, बाकी जो स्पीसीज है वो हम काउंट कर ही नहीं सकते। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमने स्पीसीज को काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो पहली चीज तो ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात अगर कर भी लिया तो हर कम से कम उसमें काफी टाइम लग जाएगा। और एक चीज यहाँ पर प्रूफ की है कि हर साल, मतलब एवरी ईयर 15,000 से भी ज्यादा स्पीसीज नए आते जाते हैं, डिस्कवर होते जाते, तो ये चीज इम्पॉसिबल है। अब जैसे कि हमने क्या देखा, इतनी सारी स्पीसीज होती है, तो सिंपल सी बात है, क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को पकड़ा, बता दिया कि हाँ, ये नहीं पता कि एक एक इंसान के बारे में नहीं पता, एक एक एनिमल के बारे में नहीं पता, इन्होंने सिर्फ एक तरीके के बारे में बताया, तब इनको पता चला कि इतनी स्पीसीज है। लेकिन ये चीज इन्होंने साफ साफ नहीं बोली थी कि सिर्फ इतने स्पीसीज है, इन्होंने कहा कि इतने हम काउंट कर पाए और ये हमारे पूरे अर्थ के सिर्फ 20% स्पीसीज है। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं कैसे ये सब हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या था एटम, यहाँ आपको समझ में आने वाला, पिछले में जो बताया था पूरा हायरार्की था, इसमें आपको सबको समझ में आएगा। एटम देखिए, वो भी दो मेंब्रेन होता है, कंपाउंड, और दूसरा आता है हमारा क्या, मॉलिक्यूल। दो आते हैं, एक एटम दो पार्ट में ब्रेक होता है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखिए, हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं, जो कंपाउंड है वो पहले मॉलिक्यूल में देते हैं। इसमें आता है हमारा एमसीसी से आप मतलब परेशान मत होइएगा, ये ट्रिक है, एमसीसी याद रखिएगा। अब देखिए, एमसीसी मतलब, एम का मतलब क्या होता है, मिश्रण, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब उसी में आते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, और ये कोलाइड। बेसिकली ये तीन चीजें आती हैं, ये होती क्या है, हमारी नॉन लिविंग होती हैं। मतलब कि ये जो हमारा एटम होता है दो पार्ट में ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड हमारे आते हैं, मॉलिक्यूल में हमारे आते हैं, एमसीसी का मतलब होता है मिक्सचर, कॉम्प्लेक्सिटी और कोलाइड, ये तीनों के तीनों नॉन लिविंग होते हैं। इतना आपको याद रखना है, बस इतना ही आपको याद ही रखना है। अब इधर आते हैं, अब सबसे पहले हमें पता है क्या आया था, लिविंग सेल्स आई थी, या फिर आप सेल ऑर्गेनिज्म, कुछ भी जैसा आपका, जैसे आपको लिखना हो, हम सबसे पहले सेल की ही बात करें, क्योंकि आपको प्रोसेस हमने बता रखा है तो आपको ये आसान पड़ेगा। तो सेल के बाद क्या आया, सेल के बाद कुछ आया नहीं, ये जो सेल से सबसे पहले आया थे, क्योंकि ये जो सेल होते हैं ये हमारे बेसिक होते हैं, ये हमारे बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, इन्हीं से कुछ हो पाया है बॉडी का। तो देखिए, अब जैसे कि एक घर बनाने में कीट का इम्पोर्टेंट है, वैसे ही एक बॉडी को बनाने में एक सेल का इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ भाई रॉबर्ट हुक, हमने ये चीज पढ़ रखी है, सेल थ्योरी वगैरह सब हमने अच्छे से पढ़ लिया,
ने किया था, ये सब यहाँ पर नहीं बात करेंगे। सेल के बाद जब सेल यही डिवाइड होकर ग्रुप में आए, तीनों ने टिश्यू को फॉर्म कर लिया। इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? टिश्यू को फॉर्म कर लिया। सेल जब ग्रुप में आ गए तो ये इन्होंने टिश्यू को फॉर्म कर लिया, और जब यही टिश्यू ग्रुप में आ गए तो इन्होंने ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म कर लिया, और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना है? देखो, सेल ग्रुप ऑफ सेल ने मिलकर टिश्यू को बनाया, टिश्यू ने मिलकर बीच में ऑर्गन को बनाया। ये डायरेक्ट प्रोसेस है, हम लोग इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट में तो सिंपल सा डायरेक्ट सेल से पूरा का पूरा प्रोसेस होकर हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी आ गई। देखिए, सबसे पहले हमारे जो है सेल आए थे, जब सेल यही आपस, आपको पता है जिसकी सेल जो है एक से चार, दो सेल होते हैं, दो से चार होते, चार से आठ होते, ऐसे ही सेल डिवाइड होते हैं। अब देखिए, सेल डिवाइड होते हैं तो टिश्यू को बनाते हैं ग्रुप के फॉर्म में। अब टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स लेकर टिश्यू, और जब टिश्यू ग्रुप में आते हैं डिवाइड होकर तो ये ऑर्गन को बनाते, और जब यही ऑर्गन ग्रुप में आते हैं तो ऑर्गन सिस्टम को बनाते, और ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को हमारे जैसे बना देते हैं। ये सिंपल सी बात हुई। अब यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर ज्यादा हो गए तो पॉपुलेशन हो जाती है। अब यही पॉपुलेशन क्या करती है, इससे हमारे क्या बनता है? हमारा बनता है इकोसिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। फिर बायोटिक कम्युनिटी आती है। बायोटिक कम्युनिटी से हमारा क्या आता है? बायोस्फीयर आता है। अब हमें इतना पता है कि सारे के सारे होते ही क्या है? लिविंग होते हैं। तो मतलब आई होप कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ पा रहा हो कि मैंने क्या लिखा है, तो आपके लिए अच्छा हो कि आप इसको नोट डाउन कर दे। चलो मैं यहाँ पर एक बार साफ साफ लिख देती हूँ। ये एमसीसी में गया था, मतलब ये हमारा मिक्सचर था, ये हमारा कोलाइड था, ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी था, और ये हमारे नॉन लिविंग थे। अब हमें क्या पता चला, ये पूरा का पूरा हायरार्की कैसे आया? एटम कंपाउंड और मॉलिक्यूल में ब्रेक हुए। अब हमको पता है इधर जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स कोलाइड मिक्सचर जो कि नॉन लिविंग होते हैं, इधर हमारा आता है क्या? सेल। सबसे पहले सेल ग्रुप में हुए तो टिश्यू को बनाए, टिश्यू ग्रुप में हो तो ऑर्गन को बनाए, ऑर्गन ग्रुप में आए तो ऑर्गन सिस्टम को बनाए, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर लिविंग को बनाए, लिविंग की वजह से पॉपुलेशन में, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोटिक कम्युनिटी, फिर बायोस्फीयर, और ये सारा का सारा लिविंग वर्ल्ड बना दिया। इतना समझ में आया? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा टफ लेवल की है, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।